वेलकम गाइस टू माय अनदर व्लॉग। और फाइनली लॉन्ग वीकेंड आ चुका है। सैटरडे संडे मंडे तीन दिन मेरी छुट्टी है एंड बहुत दिनों बाद मेरा फेवरेट ट्रैवल व्लॉग वापस से ट्रैवल व्लॉग करने का मौका मिला। कैफ़े जा के मैं पक गया था। सो नाउ बहुत इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, महादेव की भूमि बनारस। और आज वैसे तो मैं सोलो ट्रिप ज़्यादा करता हूँ, बट आज मेरे साथ मेरी मम्मी हैं और मज़ा आएगा जर्नी में। सो अभी पाटलिपुत्र स्टेशन से हम ट्रेन अबोर्ड कर रहे हैं। पटना जंक्शन से ट्रेन मिली नहीं और गर्मी काफ़ी अच्छी है एंड आई होप कि ये ट्रिप अच्छा रहे। और आज मेरे साथ मेरी मम्मी है। ये है मेरी मम्मी। मम्मी मम्मी कहाँ जा रही हो? कैसा लग रहा है सोलो ट्रिप बेटे के साथ? हाँ क्या कैसा लग रहा है सोलो ट्रिप बेटे के साथ? तो ये शायद हमारी ट्रेन लगी हुई है। बस सैंड बर्गर नहीं, एक सैंडविच दे दीजिए। तुम नहीं होगी दो, एक सैंडविच ले जाए और एक बटर मिल्क दे दीजिए स्पाइस। तो, हाँ माँ का दिल, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी का कहना है कुछ खा लो। हर भारतीय की तरह मैं भी स्टेशन एक घंटे पहले आ गया और छाछ बोल के मैंने मिक्स फ्रूट ऑर्डर कर ली। यहाँ से ये 10:50 में खुलेगी। वैसे लोकमान्य तिलक है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 12141। पटना से खुलती है अराउंड 10:50 में। और डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि वाराणसी तक मैं उतर जाऊंगा नहीं, मैं मुगल सराय को ही उतर जाऊंगा। मुगल सराय बोलो, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जो भी बोलो, वहाँ उतर जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से मुझे ऑटो लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे खल रहा है, बट सी जो भी है सही है। दरवाज़ा खोल नहीं रहे ये लोग ट्रेन का यार, तब तक इसका कान ही खोल दो। खुल गया दरवाज़ा, खुल गया। फाइनली गाइस ट्रेन के अंदर हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने एसी चलाया है नहीं और मुझे लग रहा है जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अंदर से, क्योंकि मुझे अभी से ऐसा फील आ रहा है। तुम जाके क्या करोगे सबसे पहले? जाके क्या करोगे सबसे पहले? हाँ सबसे पहले तो प्लान करेंगे। क्या प्लान करोगे? गंगा आरती इतने दिन बाद, ऐसे बहुत दिन बाद ट्रिप हुआ नहीं। बीस सौ पंद्रह 2015 नहीं बोल सकती हूँ। 2015 क्या होता है? मम्मी कॉन्शियस हो गई कि बाप रे बिहारी एसेंट नहीं बोलेंगे। नहीं तो तुम हिंदी वैसे क्यों बोल रही हो? तुम बिहारी एसेंट बोलो ना। दीदी को लेकर अच्छा में के लिए। बेटी होटल भी बुक करा दी, अब क्या चाहिए? नहीं और ट्रिप हम भी फिनेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाली उसमें उसका हाथ नहीं है। ये ट्रेन का असली मजा। आ हा 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 क्या हो गया? मिस्क 100 ग्राम देते हैं, डबल पेपर लगा के। डबल पेपर लगा के देते हैं। एक पेपर हम 100 ग्राम बनेगा। 100 ग्राम वजन करके। वजन के लिए? वाह 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 वाह। बेच रहे थे डंडी से। क्या बेच रहे थे? मतलब तराजू से। अच्छा वजन करके। वजन करके अब ऐसे अंदाज से बेच देते? नहीं जब देख लिया जब उतना ही छोड़ता है। यही है मेजरमेंट यूनिट। यहाँ खा लो जैसे है खा लो। पेपर वाले नहीं है, पेपर वाले गलता है, ये जल्दी नहीं करता। मेजरमेंट यूनिट भैया का अंदाज है। वो देना पड़ता है पैसा है ट्रेन में? तो उसमें सीबीआई क्या बात है, अब ले गया सोनपुर, 2000 का फाइन मारा। क्यों मारा 2000 का फाइन? हमारे भाई सीबीआई पकड़ लेगा तो 2000 फाइन। काहे को सीबीआई पकड़े? अच्छा क्या है, क्या क्या किए थे? मतलब क्यों बेच रहा है? अभी ठेकेदार की तरफ से हम लोग बेच रहे हैं। ठेकेदार के पास फोन किया तो आपको 300 देना पड़ता है बेचने के लिए ट्रेन में? ठेकेदार के पास फोन करके बोला था, ठेकेदार बोल रहा है जी यहाँ नहीं पकड़ा है, कहीं गाड़ी लेकर जा रहा था बेचने के लिए सोनपुर तक, उतना पकड़ा है जो उसका जिम्मेवारी हमारा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये तो गलत। गाइज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे हम उतर चुके हैं और यहाँ से आई प्रॉबेबली टेक एन ऑटो और फिर ऑटो रिक्शा करके हम पहुँचेंगे वाराणसी को।
देखते हैं ऑटो मिलती है कहाँ से क्या है, क्योंकि यहाँ से कभी पता नहीं मुझे यहाँ से जाना कैसे, तो देखते हैं ऑटो मिल जाए। मम्मी हम लोग रास्ता भटक गए। वही सब क्या है वो कोयला का ट्रक, कोयला वगैरह जा रहा है क्या? नहीं हाँ, ये सब कोयला का शायद वो है, क्या ही पता बहुत ज़्यादा। फाइनली गाइस ऑटो मिल गया हमें, रास्ता शायद हम उल्टा रास्ता चले गए थे, तो यहाँ से अब हम जाएंगे रमनापुरा और लक्सा रोड जहाँ पे हमने होटल हमने बुक करवाया, फिर वहाँ से हम लोग शाम को निकलेंगे गंगा आरती के लिए। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का ऑटो नंबर डाल दूंगा, इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है आने में, अगर आपको पता नहीं चलता है कि कैसे बनारस पंडित दीनदयाल से जाए, तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, ये आपको वहाँ मतलब यहाँ से आप आराम से बनारस जा सकते हो वाया ऑटो। कैब वगैरह यहाँ ज़्यादा चलती नहीं है, तो मोस्टली आपको ऑटो टोटो यही सब करना होगा। तो लेट्स सी पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस और अभी हम लोग हैं भदौरिया चौक में रामपुरा, और यहां से अभी हम जा रहे हैं अपने होटल हाइटवे बेड। और लिटरली भी बहुत रश वाला एरिया है, काफ़ी रश है यहां पे, बट बहुत सही भी लग रहा है जगह, बहुत सही जगह है। तो अभी सबसे पहले हम लोग होटल जाते हैं और यार मुझे नहाना है, फ्रेश होना है। और आप देख सकते हो व्यू, ये भदौरिया चौक है, यहाँ यहीं से आपको सब कुछ नज़दीक पे है, 80 घाट वगैरह सब कुछ आपका, सब कुछ यहाँ से नज़दीक पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहीं भी आओ, भदौरिया चौक बोलो और यहाँ से कहीं भी जाओ। तो चलते हैं अब होटल, हमारा होटल है और बड़ा प्यारा और क्लासिक सा होटल लग रहा है। मैंने सोचा आपको एक टूर करवा दूँ होटल का, बहुत सही लग रहा है होटल, ये बहुत ट्रेंडी टाइप का। रिसेप्शन पे कोई नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाए, आई मीन आईडी चेक इन एंड ऑल। भाई नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कहाँ पे नेम कहाँ पे लिखना है? यहाँ नेम, इधर एड्रेस, मोबाइल नंबर। ओके, हमारा होटल का बेडरूम है। अच्छा वो स्कैन मेन्यू के लिए, लुकिंग गुड, बढ़िया है, मतलब प्यारा होटल है। लेट्स टेक अ ओवरव्यू होटल कैसा है। तो यहाँ से काफ़ी सही है, मेरे को तो ठीक ही लग रहा है। एंड यू हैव द बेड कॉर्नर देयर, सॉरी बेड कॉर्नर बोला, बुक कॉर्नर, आप बुक वगैरह पढ़ सकते हो। ये शायद छोटा सा रूफ बैठने के लिए, रूफ टॉप काइंड ऑफ थिंग, सही है। और थोड़ा इंटीरियर्स इन ऑल, और यहाँ पे यू नो ब्रेकफास्ट डिनर काइंड ऑफ कैफे रेस्टोरेंट, सही है। तो इट वॉज क्या नहीं, कुछ खाओगी क्या? बाथरूम उधर है भाई, उधर। सो गाइज बहुत हेक्टिक रहा और फाइनली हम लोग बनारस पहुँच गए हैं, और आज बस थोड़ी देर में नहा के एंड ऑल हम लोग निकलेंगे अभी शाम की गंगा आरती देखने। और शाम 7 बजे से शायद गंगा आरती स्टार्ट होती है, और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, देन सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ घूमेंगे, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। और फाइनली यही है प्लान, एक दिन का ट्रिप था, ज़्यादा लंबा नहीं, मैं ऐसे एक्सटेंड करना चाहता था, बट मम्मी की ऑफिस थी मंडे को, तो मेरी छुट्टी है बट उनकी नहीं है। तो कल हम लोग निकल जाएंगे बनारस से, आज हमारा है, और बने रहना क्योंकि ये जस्ट एक जर्नी थी पटना टू वाराणसी। आपको पता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले मैं एक ट्रेन जर्नी बनाता हूँ, उसके बाद मैं मेन मुद्दे पे पहुँचता हूँ। तो असली चीज़ आज शाम से स्टार्ट होगी, एंड आई होप यू विल लव दैट थिंग, एंड कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग, एंड लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लव्ड इट। थैंक यू एंड टिल नाउ, पीस आउट।